दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता सिद्धार्थ मिश्रा और अधीक्षण अभियंता जेएस मिश्रा ने सिकंदरा स्थित अधिशासी अभियंता के कार्यालय का किया निरीक्षण। निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता ने की समीक्षा बैठक। अधिशासी अभियंता अमित कुमार और एसडीओ अक्षय राणा रहे मौजूद। राजस्व बढ़ाए जाने के लिए अधिकारियों द्वारा निरंतर की जा रही समीक्षा बैठक। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। लाइन लॉस रोकने के लिए भी उठाए जा रहे उचित कदम। बिजली चोरों के खिलाफ निरंतर हो रही एफआईआर। आज हम लोग जो है अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस समय अपने चीफ मुख्य अभियंता कार्यालय में या अधीक्षण अभियंता कार्यालय में लोगों को न बुला के खुद जो है खंड कार्यालय में या सब डिवीजन में जाके एसडीओ के ऑफिस में बैठ के इस तरह समीक्षा करते हैं तो उससे जो है ज़्यादा आउटपुट मिलता है। कंसंट्रेटेड बात हो जाती है वहाँ पे, मीटिंग हॉल में बहुत ज़्यादा सबसे एक एक आदमी से बात नहीं हो पाती। इस कारण जो है हम लोग खंडीय कार्यालय में या उपखंडीय कार्यालय में जाकर समीक्षा करते हैं। इस समय हमारा मेन फोकस जो है वो राजस्व वसूली का ही है। राजस्व की स्थिति हमारी बहुत गंभीर है। पावर कॉरपोरेशन जो हमारा है, क्योंकि हमें जनरेटर्स को जो हमें ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उनको हमें एडवांस में पैसा देना पड़ता है, तब हमें बिजली मिलती है। तो अगर हम रेवेन्यू नहीं लाएंगे तो हमारी हम जो है बिजली नहीं मिलेगी, फिर हम उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारा रेवेन्यू उससे लिंक है, इसलिए हम लोग राजस्व पे ही लगे हुए हैं कि राजस्व वसूली और बेहतर से बेहतर होती जाए, यही समीक्षा का मुख्य। राजस्व वसूली में बिजली चोरी एक प्रमुख बना होता, बिजली चोरी को लेकर किस प्रकार के कदम उठाया जा रहा है? बिजली चोरी में हम लोग मॉर्निंग रेड और इवनिंग रेड दोनों तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। ये हर क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। कहीं पे कुछ जगह सूचना आती है कि रात में लोग कटिया डाल ले रहा है, और कहीं पे जो है प्रातः की भी सूचना आती है, तो दोनों तरह से उसको एसडीओ चिन्हित कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा किरावली में और मथुरा में, वहाँ वृंदावन में इस तरह से 17 17 यहाँ पकड़े गए, किरावली में 25 26, वृंदावन में ई रिक्शा चार्ज कर रहे थे पकड़े गए। तो ये लगातार अभियान चलता रहता है।